खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। कोरोना संक्रमित निजी अस्पताल का डॉक्टर लोगों की जिंदगी से कर रहा था खिलवाड़। संक्रमित होने के बावजूद भी कर रहा था लोगों का इलाज, अस्पताल में भर्ती कई मरीजों का कर रहा था इलाज। लोगों की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग पहुंचा मौके पर। मीडिया को देखकर एसएमओ प्रीति और निजी अस्पताल संचालक डॉक्टर ने किया ड्रामा। मीडिया के पहुंचने के बाद डॉक्टरों को लगाई लताड़, कार्रवाई के नाम पर किया गया मात्र दिखावा। मौके पर पुलिस को बुलाया गया, एसएमओ ने पुलिस को कोई भी लिखित शिकायत नहीं दी। पुलिस ने करवाया अस्पताल को सील। अस्पताल सील करने के बाद निजी अस्पताल के डॉक्टर ने स्वास्थ्य विभाग गुहला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पर उठाए सवाल। अभी तक पॉजिटिव रिपोर्ट की कोई कॉपी नहीं करवाई गई उपलब्ध। पटियाला के एक अस्पताल में डॉक्टर को रिपोर्ट में दिखाया गया नेगेटिव। मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कंटेनमेंट जोन में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के बैडमिंटन खेलने पर तुरंत मामला दर्ज करवाने वाला स्वास्थ्य विभाग आज लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले कोरोना संक्रमित निजी अस्पताल के डॉक्टर के आगे कार्रवाई के नाम पर नतमस्तक नजर आया। डॉक्टर संक्रमित होने के बावजूद भी रोजाना की तरह अपने अस्पताल में लोगों को दवाई दे रहा था और अस्पताल में भर्ती कई मरीजों का इलाज भी कर रहा था। जब इसकी भयानक आम लोगों को लगी तो इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी गई। देखिए आगे ये रिपोर्ट। अगर आपको जाना भी पड़ रहा है, इमरजेंसी है, तो आप परमिशन के बिना नहीं जाएंगे। फिर आपको है तो हम अग्रोहा भेज देंगे सर। अग्रोहा भेज देंगे सर आपको, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो। दिक्कत नहीं, मैं तो मेरे पीजी में जाते हैं, चिंता करने की। आप ही जब पॉजिटिव हो तो आप हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हो, पेशेंट क्यों देख रहे हो, पेशेंट भी एडमिट कर रहे हो, सारा स्टाफ है, कोई आइसोलेशन में रहो सर आप। हम आपको तो फिर आपने हॉस्पिटल क्यों खोल रखा जब आपका सील करके देखो, आपने हॉस्पिटल खोलना ही नहीं था सर। आपकी जिंदगी से मेरी बात हुई था, मेरे हॉस्पिटल क्या करूँ मैं, फोन करूँ सुबह का सुबह आपको फोन किया, वही पहुँच पाया। मैडम अब आप होम आइसोलेट के अंदर रूल फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर आपने हॉस्पिटल नहीं खोलना है सर। आप हॉस्पिटल में खोलेंगे, पेशेंट्स नहीं देखेंगे, यहाँ पे पेशेंट एडमिट नहीं करेंगे। अगर आप रूल फॉलो करेंगे तो हम आपको होम आइसोलेशन में छोड़ेंगे, नहीं तो हम आपको डीसीसी सेंटर में लेकर जाएंगे सर। आपकी मर्जी है सर। आपकी मिसेज है, आपकी मिसेज बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रही है हमें, वो सैंपल टेस्ट नहीं है। और आप और एक बार सर आप 2 मिनट हमसे काउंसलिंग करो, हमारे को फोन कर लो, डॉक्टर मनप्रीत आपके जानकर है। मगर सर आप बिना परमिशन के, अब आप पॉजिटिव आए हैं तो आप सारा दिन तक बिना परमिशन के आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। मैं कल मैंने 2 बजे टेस्ट करा दिया, मैं अभी पीजी जाऊंगा। कुछ भी है सर, एक बार आके क्या पता आप पहले से पॉजिटिव हो, आपके निकल जाएगा। जो हमारी रिपोर्ट है वो बिल्कुल संदीप की सलाह रही, रीश की सलाह रही, तीन डॉक्टर सन की सलाह रही। सर हमारी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है, उसमें कोई गलती नहीं होती है सर। वो 100% पॉजिटिव तो मिस पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं सर। हमारी तो गवर्नमेंट की ऑथेंटिक मानी जाएगी सबसे पहले। आपने सर जैसे 2-3 दिन के बाद, सर क्या पता आपको कोरोना पहले से ही हो, 10 दिन के ऊपर टप गया तो आपकी 2 दिन के बाद नेगेटिव आ गई हो। सर डॉक्टर हो के आप ऐसी बात कर रहे हो, अब क्या सर, अब क्या आदेश है सर, अब क्या आदेश है? क्या हुआ था आपका आइसोलेशन का, वो काट दिया है? मैं जो डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर प्रॉब्लम नहीं है सर, 90% तो लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कोरोना में, यही बहुत अच्छा है, उनका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। फिर आप ऐसे कर रहे हो कि मेरे को कोई सच्चों से बात की है और हम बता रहे हैं, डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंगला पॉजिटिव था और जो उसने कानून की उल्लंघना की है, और वहाँ मरीज भी बता रहे थे नीचे एडमिट थे कुछ, और सिविल डिपार्टमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनका आज दोबारा से सैंपल लिए हैं, बता रहे हैं अब तक पूरा पता नहीं पॉजिटिव या नेगेटिव। बाकी उसने अगर कानून तोड़ा है, अगर वो बाहर गया है कहीं भी गया, इस संबंध में मेरी एसएचओ से भी बात हुई है चीका से, अगर हमारे को हेल्थ डिपार्टमेंट इसके बारे में लिख के देंगे तो मैं इसके खिलाफ़ FIR दर्ज करवाऊंगा। और मैं पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी पॉजिटिव है, जितने दिन के लिए उनको क्वारंटाइन किया गया है, वो अपने क्वारंटाइन में रहें, चाहे
प्रशासन का कोई व्यक्ति हो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का कोई है, सभी के लिए कानून बराबर है। कोई कानून की उल्लंघना करे तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। जो आपकी तरफ से जब भी हमारे प्राप्त होगी उसी टाइम कार्रवाई होगी। अभी तक कोई शिकायत नहीं है सर? अब मैंने अभी पूछा है, अब तक हमारे पास कोई